जजों के सामने हो काउंटिंग ज्यादातर चुनावों में होता है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह ने चुनाव आयोग से ये मांग रखी है। मामला विस्तार से बताते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में हर रोज अलग अलग प्रत्याशियों के द्वारा अलग अलग तरीके की मांग रखी जा रही है। देश भर में चल रहे चुनाव के दौरान सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा रहा है। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व में सांसद और विधायक रहे चौधरी विजेंद्र सिंह चुनाव आयोग से लेकर अब तक कई ऐसी मांग रख चुके हैं जिसे देश भर के चुनाव में सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित हुआ है। अब चौधरी विजेंद्र सिंह के द्वारा एक नई मांग रखी गई है जिसमें उनके द्वारा चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा है। उस पत्र को अलग अलग माध्यम से चुनाव आयोग में भेजा गया है। चौधरी विजेंद्र सिंह का दावा है कि सभी तरह की मतगणना जजों की कमेटी की देखरेख में की जाती है। चौधरी विजेंद्र सिंह ने चुनाव में जजों की टीम के सामने मतगणना कराने की मांग रखी है। उनके द्वारा कहा गया है कि जिस तरह से निष्पक्ष चुनाव की लोग बात कर रहे हैं ठीक उसी तरह निष्पक्ष चुनाव को धरातल पर उतारने के लिए उनके द्वारा ये मांग रखी गई है। 4 जून को होगा 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। चौधरी विजेंद्र सिंह द्वारा बताया गया कि उनकी लड़ाई किसी से नहीं है, पाप करने वालों से उनकी लड़ाई है। निष्पक्ष चुनाव के लिए निष्पक्ष लोगों का वहां मौजूद होना अति आवश्यक है। चुनाव में जजों की मौजूदगी में मतगणना की जाए, इससे बेहतर और कोई उपाय नहीं है। ज्यादातर चुनाव में ये काम किया जाता है। उनके द्वारा भी साल 2024 के लोकसभा चुनाव के फाइनल रिजल्ट को लेकर चुनाव आयोग से ये मांग रखी है और उनके द्वारा पत्र लिखा गया है। चौधरी विजेंद्र सिंह द्वारा चुनाव आयोग को पत्र लिखकर निष्पक्ष मतगणना के लिए जजों की टीम की मांग रखी गई है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में अलीगढ़ में 14 प्रत्याशियों में से फिलहाल भागदौड़ की अगर बात कही जाए तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह लगातार भागदौड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि उनकी टीम भी लगातार मतगणना स्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरों से शिफ्ट बाय शिफ्ट मत पेटिकाओं को कैमरे की नजरों से देखती हुई नजर आ रही है। 2 शिफ्ट में मतगणना स्थल पर चौधरी विजेंद्र सिंह के कार्यकर्ता बाकायदा ड्यूटी निभा रहे हैं। अब देखना होगा 4 जून को जनता का फैसला आएगा तो अलीगढ़ का सांसद कौन बनेगा। फिलहाल सभी लोग अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।